नमस्कार सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिरोही में एसपी सिटी ने चौपाल लगाकर शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत बिरोही में चौपाल लगाकर आपसी सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाने की ग्रामीणों से अपील की। बता दें कि 10 जुलाई को गोली चलने से राजेश यादव की मृत्यु हो गई थी, जिससे लेकर दोनों पक्षों में तनाव चल रहा है। गांव में बीएससी भी लगाई गई है। एसपी सिटी संजय वर्मा, सीओ सिटी प्रभात राय, सीओ यातायात अरुण कुमार सिंह, थाना प्रभारी विंध्याचल विनीत राय, चौकी प्रभारी अष्टभुजा भरतलाल पांडे, पुलिस बल के साथ वीरभद्र मंदिर पर चौपाल लगाकर लोगों से जानकारी ली। एसपी सिटी ने बताया कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यदि कोई भी गलत हरकत करते हुए दिखा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चौपाल में महिलाओं के न आने पर नाराजगी व्यक्त की गई। एसपी यातायात ने कहा कि फिर से कोई घटना न घटे। गांव के ही भरत सिंह और श्रीराम यादव ने भी अपील की है कि शांति व्यवस्था में सबको सहयोग करना चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि अगर बिरोही गांव की चकबंदी हो जाए तो जमीनी विवाद से निजात मिल सकती है। तत्काल एसपी सिटी ने एडीएम से बात कर चकबंदी कराने का प्रस्ताव रखा। प्रधान प्रतिनिधि वकील सरोज से चकबंदी कराने के लिए प्रयासरत रहने का आदेश दिया, जिस पर प्रधान ने कहा कि चकबंदी हो जाती तो सभी निम्न वर्ग को रास्ते से निजात मिल जाती। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट, धन्यवाद। क्या है सर? देखिए, कोतवाल विंध्याचल सीओ सिटी एसपी ट्रैफिक और मैं एसपी सिटी इस गाँव में बिरोही में आए हुए थे। मूल उद्देश्य आप जानते भी हैं, आप लोग पहले से भी अधिगत भी हैं। मूल उद्देश्य इस गाँव में है, 10 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसी संदर्भ में गांव में कुछ रिजेंटमेंट या आमर्श की स्थिति थी, थोड़ा सा टेंशन प्रतीत हो रहा था। उस संदर्भ में हम लोगों द्वारा ये मीटिंग की जा रही थी और गांव वालों को इकट्ठा करके दोनों पक्षों को, दोनों वर्गों को, दोनों पक्षों को और कई पूरे गाँव के जितने भी लोग संभ्रांत व्यक्ति सबको बुला करके प्रधान के माध्यम से, VDC के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि पुलिस अधिकारी होने के नाते और पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ हम लोग अच्छे इंसान भी हैं और इंसानियत पेशे के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे और इसी उद्देश्य से ये मीटिंग की गई थी ताकि गांव में एक सद्भाव बन जाए, एक शांतिपूर्ण माहौल हो जाए और दोनों पक्षों ने आश्वस्त किया है कि अब कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी, विकास के मार्ग पर ये गाँव चलेगा, कानूनी कार्रवाई होती रहेगी। और बाद में कुछ लोगों ने बताया कि चकबंदी कोई समस्या थी, उसके लेकर मैंने EDM सबसे आपके सामने देखिए बात भी किया और समस्या के निदान में हम प्रधान के माध्यम से और लोगों के माध्यम से, इवन पुलिस का जो सहयोग होगा उस माध्यम से भी समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। समय लग सकता है लेकिन विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू एक्सपेक्टेड द मैटर। सर, सोशल मीडिया पे जो भड़काऊ पोस्ट भी किए जा रहे हैं इससे जानने में आया सर, उस पर क्या कार्रवाई हो सर? देखिए, मैंने बताया अभी आपके सामने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर समझता है कानून से ऊपर है तो निश्चित तौर से वो ये समझ ले कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाद में वो स्वयं उत्तरदायी होगा। मैं एक बार अपील कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों से परहेज करें, फिर भी अगर बदमाशी करेंगे तो निश्चित तौर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।